इस वक्त हम दिल्ली के उत्तम नगर कुम्हार मार्केट में मौजूद है, जहां बीते दिन राहुल गांधी दौरा करने आए थे, जहां राहुल गांधी ने अचानक सुबह इस कुम्हार मार्केट में आए और यहां के लोगों से मुलाकात की। साथ ही यहां पे उन्होंने मिट्टी के दिए भी बनाए। तो चलिए जिनके घर आए थे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राहुल गांधी के मिलने के बाद उनकी क्या राय है। आंटी, क्या नाम है आपका? राम रत्ती। कल आपके यहाँ भी आए थे? हाँ, मेरे यहीं आए थे। अच्छा, तो कल कब आए थे राहुल गांधी? 6 बजे। 6 बजे आए थे? तो मतलब पहले बता के आए थे कि ऐसे अचानक? बता के नहीं आए थे, अचानक आए थे। क्या बोला आके? उन्होंने आके ये बोला मेरे को दिवाली आ रही है, दिवस सिखाइए बनाना। तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं सिखा दूंगी, पर अपने ढंग से सिखाऊंगी। अपने ढंग से सिखाऊंगी। हाँ, तो पहले क्या क्या बनाया आपने क्या क्या सिखाया? मैंने मिट्टी तड़वाई उनसे, मोगरी से। हाँ। और फिर छनवाया, फिर मिट्टी बनवाया, गुंदवाया। अच्छा। गुंदी बना करके फिर मैं चाक के पास ले आई, फिर मैंने कहा उससे अच्छी तरह मल के मिट्टी को, और फिर इस पे चाक पे रखेंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने बारीकी से देखा मेरे को कैसे कैसे बनाते मिट्टी, और उन्होंने अच्छी तरह से मिट्टी बनाई। अच्छा, अच्छे तरीके से मिट्टी बनाई जैसे आपने बताया उनको? जैसे हाँ मैंने बताया वैसे उन्होंने मिट्टी बनाई, और चाक पे रख के, और फिर उन्होंने पोट बनाए, एक तीन दीवे बनाए। हाँ, और अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, और एक शायद अपने लिए बनाया होगा। अच्छा, दिवाली पे स्पेशल उन्होंने तीन दिए बनाए, मम्मी बहन और अपने लिए। अच्छा। और एक पोट बनाया छोटा सा। अच्छा, पोट भी बनाया? हाँ, पोट भी बनाया। तो कुछ बोला भी उन्होंने आपसे, मतलब सीखने के दौरान कुछ बातें की, कुछ पूछा कि क्या यहाँ पे कमी है, ऐसा कुछ है कि कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? वो तो पूछेंगे भाई कितने दिन से काम करा आपने। तो हम तो बहुत पहले से यही। कब से काम कर रहे हो आप ये? मैंने तो वह कम से कम 40-50 साल काम 40-50 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ, यहीं पे। अच्छा, तो और क्या बोला राहुल गांधी ने आपसे? और क्या बोलेंगे, वो कोई तकलीफ नहीं पूछी कि मार्केट में क्या कमी? हाँ, है क्या तो है, क्या दिक्कत है? त्योहार आ रहे हैं, त्योहार आते हैं तो सभी पूछते हैं कैसे इसका रेट बनाते हो, ये भी पूछा। अच्छा, क्या रेट बनाते हो, कैसे है सब कुछ? हाँ, तो वो तो रेट तो जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी वो उसके रेट ज्यादा होंगे, और जो हल्की क्वालिटी होगी तो उसके रेट हल्के होंगे। अच्छा, तो मिलने के बाद क्या बदलाव आया आंटी, मतलब कैसा लगा उनको सामने से देख के? अच्छा लगा, पहले टीवी पे देखते थे, बाद में आपने आगे खड़ा देखा उनको सामने से देख के और अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, जैसे बाहर से आए तो हमने सामने खड़ा देखा, दरवाजा खोला तो वैसे नहीं आए थे। और आंटी, मैंने देखे कि आपके घर में बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, किस किस चीज के पुरस्कार है? ये मेरे हस्बैंड को मिले, ये राज्य पुरस्कार है चंद्रभान सोलंकी, और संकट दयाल शर्मा, इसी काम के लिए मिला है, पोर्टमैन, और सतीश गुजराला। हाँ, इसी काम पे। क्या नाम है दीदी आपका? सीमा, मेरा नाम सीमा। अच्छा, तो कल आपसे भी मिले, आपसे भी बातचीत की राहुल गांधी जी? जी, क्या बोला आपसे? वही सब, हम लोग मिट्टी के काम के बारे में ही उन्होंने कुछ जानकारी ली, जैसे कैसे हम कहाँ से क्ले लेकर आते हैं, कहाँ से कैसे बनाते हैं, फिर कोई परेशानी अगर हम फेस करते हैं, चैलेंजेस वगैरह, उन सब के बारे में बातचीत हुई। परेशानी पे भी बात की, तो मार्केट के ऐसे पूछा कि क्या परेशानी है कुम्हारों की, क्या कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ सुझाव दिया, कुछ बोला कि आगे करेंगे क्या है? नहीं, उन्होंने बोला कि आप ही समस्याएं अगर कुछ से फेस करते हैं तो आप ही बता पाएंगे सोल्यूशन, तो फिर लेट्स सी कि क्या निकलता है उसका। अच्छा। हाँ, तो वैसे तो फिर आप लोगों ने भी सीखा होगा, आप लोगों ने साथ में मिलके बनाया होगा, जैसे आंटी जी ने बताया, आंटी जी ने सिखाया, तो आपने भी कुछ हेल्प किया? हाँ, हम लोग सिखा तो मम्मी दीदी, हम लोग वर्बली उनको थोड़ा थोड़ा बता रहे थे। तो सामने से देख के थोड़ा नर्वस जैसा लगा, जिसको टीवी में देखते हैं वो सामने है, तो कुछ नहीं, नर्वस तो नहीं, वो बहुत ही जैसे टीवी में दिखाते हैं बहुत ही कूल, फ्रैंक, बहुत वैसे से ही थे, बीच बीच में जोक भी क्रैक करते रहते थे। अच्छा, जोक भी कर रहे थे? हाँ, तो बहुत कूल पर्सनालिटी, वही थोड़ा नर्वसनेस तो नहीं है, पर हाँ वो जैसे एक होता ना कि नया कोई देखा पॉलिटिशियन तो उनका एक अलग ही ऑरा रहता है, पर ऐसा नहीं फील हुआ, वो उनके साथ बहुत कम्फर्टेबल थे, देख के लगा कि सर नॉर्मल ही व्यक्ति है, मतलब ये नहीं लगा कि बड़े पॉलिटिशियंस है जैसे कि आते हैं, बहुत गार्ड वगैरह भी आए होंगे, बहुत डाउन टू अर्थ थे,
बहुत हम्बल थे, तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस था।